देखिए पिछली बार बीजेपी ने कहा था हर बार 2 करोड़ नौकरी हर साल, कई सालों के 10 साल कितने होगी 20 करोड़ नौकरी दे दी। हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, आए 15 पैसे भी किसी के नहीं आए। किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे 24 में, वो पहले तभी 25% तो जो कृषि में है उपयोग होती है, कीड़े मार दवाइयों खाद बीज तेल जो कुछ भी है वो बढ़ गया, और इसकी जो रेट का हिसाब लगा लगभग 11 और 12% वो बढ़ाने की बजाय और घटा दी। फिर MSP देंगे, किसान 1.25 साल लगभग बैठे रहे, 750 किसानों की डेथ भी हुई। एक दिन भी प्रधानमंत्री ने अगर बयान दिया हो भाई किसानों के साथ गलत हुआ, चलो उसने माननी थी ना माननी थी वो एक अलग बात है, मतलब 2 शब्द तो कहनी चाहिए उनके पक्ष में, वो नहीं बोल रहे। फिर बात रही किसी भी स्टेज पे ये शिव धर्म जाति पाति हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसका पल्ला और कुछ नहीं है, हमने मंदिर बना दिया क्यों भाई, इसका बाप ने बनाया बताइए मंदिर पे पैसे कितने लगे, चंदा कितना आया है कोई हिसाब किताब, कहे सड़कें बना दी सड़कों पर टोल कितने पता है, कितने लोग पीछे पूरे होंगे कब तक कटेंगे, फिर कहने का 370 टाइ दी, कोई तेरा रिश्तेदार ने लिया उड़ा जमीन मेरे अंदर हमारा काम में दिली, ये सिर्फ अमीर आदमियों के लिए, वहाँ AC की जरूरत नहीं पड़ती, बिजली का खर्चा बचता है, सड़क भी उनके लिए या 370 भी उनके लिए, अंबानी और अंडानी के लिए। तो बिजनेस कर ले, एक मिनट बिजनेस किस तरह कर ले, खाने की तो रोटियां के लाले पड़ रहे, तो बिना मतलब की मेरी बिना मुद्दा की मेरी कोई बात नहीं, या बात बता दो किसी ने 370 तोड़ने के बाद हरियाणा में खरीदे उड़ जाकर, इंडिया में तो किसी ने खरीदे सुबह अमीर आदमी खरीद ले, हिम्मत चाहिए खरीदने की, हमारी पहली स्थिति खरीद के कराए तो उनके तो चाय की दुकान कर नहीं सकता, उठाए जाके होटल खोल मत बताऊं भाई, और फिर तो जब मैं बहस लग रहा हूं, नहीं बहस नहीं कर, फिर मैं मतलब की बात कर रहा हूं, बता दे एक भी बिना मतलब की बात कही हो, है या तो ढोंकड़ पैसे वाली बात, मैं तेरे के लटक रहा रोला, एक राम मंदिर का रोला 500 साल पुराना रोला था, इसकी रैंक कैट दी सदा के लिए, अगर मंदिरों से बल होता तो इस देश ने मंदिरों दसू और किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, सद्भावना किसी में है नहीं, भावना किसी में नहीं, सिर्फ ये राजनीतिक ड्रामे, इसकी जगह यूनिवर्सिटी होंगे कॉलेज होंगे स्कूल होंगे हॉस्पिटल होंगे, तो जनहित की बातें तो थी हैं, एक भी जनहित की बात अगर बीजेपी वाला करता हो, सुह जात पात धर्म जाति पात इनको सिर्फ आपस में बिड़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है जब लोगों के समझ में आ जाएगी इनका पलटा उल्ट कर देंगे। अगर बात रही मशीन की, अगर अब की बार मशीन के साथ गड़बड़ हुई या कुछ भी होया तो इस देश का इतना बुरा हाल होगा हद से ज्यादा। अच्छा जो लोकल मुद्दे है जैसे पहलवानों का धरना था, किसानों का था, तो इसका कुछ लोगों में प्रभाव है इन चीजों का? वो भी नहीं करता उड़के, प्रभाव तो है ही है, तेरा भाई पहलवान है मेरा भी लगा है कुछ, गांव का भी लगा है कुछ, तेरी बहन है मेरी बहन है जो भी है पहलवान है या किसानों के हैं जो बालक है वो बिल्कुल असर तो पड़ेगा। पहला करने जा रही थी, वाह 7 साल पहले का रोला था जो सही उठाया था इन्हें, आजादी 200 साल गुलाम रहे अपना 200 साल पहला, ये तो वक्त होता है किसी चीज का, ये थोड़ी है भाई आज जो बच्चा जामदार पहलवान बन जाएगा तो कोई बात नहीं।